अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरन काजी। आज हम बना रहे हैं मुगलाई एग पराठा, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अभी हम आटे को गून लेंगे। देखिए, मैंने इधर 2 कटोरी मैदे का आटा ले लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। अभी हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम आटे में पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे आटे को सेट होने तक। देखिए, मैंने इधर एक बाउल में 3 अंडे ले लिया है। अंडे में भी हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 बारीक कटी हुई प्याज। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। अभी हम अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए, मैंने अंडे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। देखिए, आटा 15 मिनट के बाद अच्छे से सेट हो चुका है। अभी हम इसको फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए, मैंने इधर 4 पेड़े बना लिया है। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसे ही इसके पेड़े बनाए हैं मैंने। अभी हम इसको सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसा ही। देखिए, मैंने उसको अच्छे से बेल लिया है। अभी हम इसमें अंडे को डाल देंगे। अभी हम इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगे। अभी हम इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि अंडा बाहर ना आए। मैंने दूसरी तरफ गैस पे कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। चलिए, अब हम इसको डाल देंगे पराठे को। अभी हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने पराठे को कढ़ाई में डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से तल लेंगे ऊपर से क्रिस्पी होने तक और अंडा अच्छे से पक जाने तक अंदर से। अभी हम इसको स्लो फ्लेम पे तलेंगे, वरना ये ऊपर से अच्छा सा पक जाएगा लेकिन अंडा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हम इसको स्लो फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखिए, मैंने इसको दूसरी तरफ भी पलट दिया है। अभी हम इसको अच्छे से तल लेंगे। माशाल्लाह, मुगलाई एग पराठा अच्छे से पक चुका है। चलिए, अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम इसी तरह सारे पराठे को भी बना लेंगे। देखिए, मैंने रोटी को बना के इस पे अंडा डाल के इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगे। चलिए, अब हम इसको भी तल लेंगे। देखिए, मैंने पराठे को ऑयल में डाल दिया है। चलिए, अब हम इसको भी अच्छे से तल लेंगे। अभी हम इसको दूसरी तरफ भी पलट देंगे।
देखिए माशाल्लाह ये पराठा भी बन के रेडी है। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया है मुगलाई एक पराठे को। आप इसको टमाटो केचप के साथ सर्व कर लें। देखिए मैंने इसको बीच से कट भी कर लिया है। देखिए माशाल्लाह अंडा अच्छे से पक चुका है और अच्छा सा रेसिपी भी बन चुका है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट टाइम पर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।